स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, घायल ऊंट का प्राथमिक उपचार कर किया रेफर। संविधान दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन। जीवन साथी संस्थान ने की अभियान की शुरुआत। चारण बने कार्यरत सहायक उप निरीक्षक। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को किया जयपुर तलब। मुहूर्त के साथ नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी। विद्यालय में मासिक बैठक का हुआ आयोजन। नगर पालिका ने मास्क का किया वितरण। अब समाचार विस्तार से। घायल ऊंट का प्राथमिक उपचार कर किया रेफर। वाक्सिंग गोहिल की रिपोर्ट के अनुसार सेलवाड़ा रोड स्थित सरेसी माता मंदिर के पास राज्य पशु ऊंट की दाहिनी आंख फूटी हुई थी, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। वह हड्डी भी बाहर आ गई थी। सूचना मिलने पर जिला गौरक्षा प्रमुख रणछोड़ पुरोहित, प्रखंड गौरक्षा प्रमुख हितेश माली, गौभक्त अरविंद पुरोहित, गणपत सिंह सेलवाड़ा, रामचंद्र डामोर, पशुधन सहायक हादर ने आकर उसका इलाज कर सिरोही स्थित PFA रेफर किया। तहसीलदार जितेंद्र सिंह एवं डॉक्टर धर्मेंद्र और वाड़का गोबक टीम का भी सहयोग रहा। संविधान दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन। वाक्सिंग गोहिल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत रेवदर में संविधान दिवस पर कोरोना को लेकर शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं सरकार द्वारा बनाई गई कोरोना गाइडलाइन को पालन एवं नियमित मास्क पहनने की अपील की गई। इस अवसर पर सरपंच अजवाराम चौधरी, उप सरपंच प्रकाश भांची, वार्ड पंच बलवंत मेघवाल, रमेश कोहली, हर्षद महाराज, भीमाराम किरागर, वीराराम राणा, पंचायत सहायक चंदूलाल कोहली, दिनेश लखारा, आकाश मेघवाल, वक्ताराम चौधरी उपस्थित थे। जीवन सारथी संस्थान ने की अभियान की शुरुआत। वाक्सिंग गोहिल की रिपोर्ट के अनुसार जीवन सारथी संस्थान द्वारा सोरडा में नन्ही सी मुस्कान अभियान की शुरुआत की गई। सोरडा के महेश जी और विनोद गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान जन सहयोग से गरीबी कच्ची बस्तियों में जाकर ऊनी सर्द कपड़े, कंबल, बिस्किट, शॉल आदि का वितरण किया जाएगा। वहीं संस्था द्वारा दिवाली की पूर्व संध्या पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। संस्थान के अध्यक्ष बलवंत मेघवाल ने बताया कि सर्द मौसम में कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना सर्द ऊनी कपड़ों के सड़क किनारे ठंडे से ठिठुरते को मजबूर होते हैं। इस कारण संस्थान द्वारा नन्ही सी मुस्कान अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर संस्थान सोरडा के अध्यक्ष महेश बढ़िया, विनोद गोस्वामी, DK राज, जयंती पटेल, गौतम मेघवाल उपस्थित थे। चारण बने कार्यरत सहायक उप निरीक्षक। वाक्सिंग गोहिल की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर के बोरानाडा पुलिस थाने में कार्यरत सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह चारण को पदोन्नति करते हुए उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया। ज्ञात रहे चारण पूर्व में सिरोही जिले के विभिन्न थाने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चारण के रेवदर थाने में कार्यरत रहते हुए यातायात प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए एक अनूठी छाप छोड़ी थी। वहीं उनके उप निरीक्षक बनने की जानकारी मिलते ही चारण के समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ओरिएंट टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ओरिएंट का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ओरिएंट ग्रुप, विमल पॉलीमर्स, जयपुर। कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को किया जयपुर तलब। लई के अहमद की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक में नव स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति संबंध में सूचनाएं छिपाने एवं आकरा भट्ट निवासी सत्येंद्र सिंह राठौड़ को सूचनाएं नहीं देने पर राजस्थान सूचना आयोग ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही को जयपुर तलब किया है। अपीलार्थी सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्होंने दिनांक 29 जुलाई 2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6.1 एवं 6.3 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही के आवेदन प्रस्तुत करके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आबू रोड के रिक्त पदों हेतु जिला स्तरीय चयन समिति ने जिन शिक्षकों का चयन किया उस सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी थी। सूचना आयोग ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर दिनांक 15 जून 2021 को सूचना आयोग के समक्ष व्यक्ति सुनवाई हेतु जयपुर तलब किया है तथा साथ ही आदेशित किया है कि अपीलार्थी को नोटिस प्राप्ति के 21 दिन में रजिस्ट्रेट डाक के सूचना उपलब्ध करवाए। मुहूर्त के साथ नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड नगर पालिका का चुनावी बुगल बज गया है।
24 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन भरने के समय निर्धारित किया गया, जिसके तहत आगुर और तहसील परिसर में नामांकन भरने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन भरने के पहले दिन आवेदन नहीं आए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे, जिसके साथ अभी तक 56 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे। नामांकन प्रक्रिया 27 नवंबर को शाम 3 बजे तक जारी रहेगी। वहीं तहसील परिसर ने प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थकों का जमवड़ा रहा। कोविड-19 गाइडलाइन के तहत प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है। बैरिकेड लगाकर भीड़ को अंदर आने से रोका जा रहा है। विद्यालय में मासिक बैठक का हुआ आयोजन। वाघ सिंह की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूनम सिंह सोलंकी व संदर्भ व्यक्ति हरवंत सिंह की उपस्थिति में आयोजित मीटिंग में पीईओ जिरावल ने अधीनस्थ विद्यालय के संस्था प्रधानों व स्थानीय विद्यालय स्टाफ ने भाग लिया। बैठक में राज्य सरकार की स्माइल योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, CTS सर्वे, खेल मैदान, शिक्षक डायरी, अभिभावक व बालकों से व्यक्तिगत संपर्क आदि बिंदुओं व पूनम सिंह सोलंकी द्वारा मार्गदर्शन किया गया। साथ ही संविधान दिवस का भी आयोजन किया गया। नगर पालिका ने मास्क का किया वितरण। लई कैंपस की रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका में विभिन्न कार्यों को लेकर आने वाले लोगों के अधिशासी अधिकारी नवोदित राजपुरोहित के आदेश अनुसार सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक मीना की अगुवाई में 50 मास्क वितरित किए गए, एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिलीप जमादार तथा अनिल व मनीष हंस की टीम ने 161 मास्क वितरित किए गए। नगर पालिका कार्यालय में मास्क दौरान कनिष्ठ सहायक प्रवीण सिंह, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक अर्जुन बामनिया, विजय सारवान, भवरलाल मोती सिंह, प्रभारी इमरान खान मौजूद रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।